हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम 2018 से 2019 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स मैस्कट, मोटो, रैंकिंग और डिफरेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले बात करते हैं 21st फीफा 2018 वर्ल्ड कप के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। फीफा की गवर्निंग बॉडी को फाउंड किया गया था 21 मई 1904 और ये किया गया था पेरिस, फ्रांस में। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप का वेन्यू था रशिया और फीफा का मैस्कट था जबीव का, ये एक वुल्फ था। फीफा की ऑफिशियल मैच बॉल का नाम था टेलस्टार 18। 2018 फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी फ्रांस और रनर अप टीम थी क्रोएशिया। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। इस वर्ल्ड कप में थर्ड प्लेस मिली थी बेल्जियम को और फोर्थ प्लेस मिली थी इंग्लैंड को। इस वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था क्रोएशिया टीम के कैप्टन लुका मॉड्रिक को। क्रोएशिया की कैपिटल है ज़ैग्रेब और करेंसी है क्रोएशियन कूना। गोल्डन बूट अवार्ड मिला था हैरी केन, जो इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया था बेल्जियम के गोलकीपर थियाबॉट कोटेसिस को। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स। बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर हैं चार्ल्स माइकल। बेल्जियम की करेंसी है यूरो। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी ब्रसेल्स बेल्जियम में है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया था स्पेन को। 2022 में नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कतर में होंगे। फीफा 2018 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल मारने वाली टीम थी बेल्जियम, जिन्होंने 16 गोल मारे थे। इस टूर्नामेंट को लेकर रशियन गवर्नमेंट ने एक डाक टिकट स्टैम्प को लॉन्च किया था, जो 100 रूबल का था। रूबल रशिया की करेंसी है। इस डाक टिकट पे रशिया के फेमस गोलकीपर लेव याशिन की फोटो थी। फीफा 2018 वर्ल्ड कप में पहली बार फेयर प्ले रूल का यूज किया गया था। इस रूल का यूज करते हुए जापान ने सेनेगल को पीछे छोड़कर पहली बार फेयर प्ले कानून के तहत नॉकआउट राउंड से क्वालिफाई किया। 2018 फीफा वर्ल्ड कप में 219 येलो कार्ड्स, पीले कार्ड्स दिए गए थे। फीफा 2018 वर्ल्ड कप में दो कंट्रीज थी जिन्होंने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था, ये कंट्री थी आइसलैंड और पनामा। फीफा 2018 वर्ल्ड कप का पहला मैच था सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच में और पहला गोल रशिया के यूरी गाजिंस्की ने किया था। फीफा 2018 में यंग प्लेयर अवार्ड फ्रांस के काइलियन मबापे को दिया गया था और इस टूर्नामेंट में सबसे यंगेस्ट प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया के डैनियल अर्जानी। वो काइलियन मबापे से 15 दिन छोटे थे। फीफा 28 वर्ल्ड कप में सबसे बूढ़े खिलाड़ी थे इजिप्ट के एसाम अल हैदरी। इनकी उम्र थी 45 इयर्स 161 डेज। फ्रांस फुटबॉल टीम के कोच थे डिडियर देशां और ये तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो खिलाड़ी और कोच रहते हुए फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले टीम का हिस्सा रह चुके हैं। इनसे पहले ऐसा करने वाले जर्मनी के फ्रांस बेकेनवर और ब्राजील के मारियो जगालो रह चुके हैं। विंटर ओलंपिक्स 23rd विंटर ओलंपिक्स 2018 में
प्योंगचांग साउथ कोरिया में हुए। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, प्रेसिडेंट है मून जे इन। इस टूर्नामेंट में 15 स्पोर्ट्स के अंदर 102 इवेंट्स थे और 4 नए स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया था, जो थे स्नोबोर्डिंग, मिक्स डबल कर्लिंग, मिक्स टीम अल्पाइन स्कीइंग एंड मास स्टार्ट स्पीड स्केटिंग। इस टूर्नामेंट में 2 भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया था, जो थे जगदीश सिंह, जिन्होंने मेंस 15 किलोमीटर फ्री स्टाइल क्रॉस कंट्री स्कीइंग में पार्टिसिपेट किया था, और दूसरे थे शिवा केशवन, जिन्होंने मेंस सिंगल ल्यूज में पार्टिसिपेट किया। 23rd विंटर ओलंपिक्स का मैस्कॉट था सोहरांग, जो एक टाइगर था। 23rd विंटर ओलंपिक गेम्स में डेब्यू करने वाली कंट्रीज थी इक्वाडोर, सिंगापुर, नाइजीरिया, मलेशिया, कोसोवो एंड एरिथ्रिया। 24th विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 में बीजिंग चाइना में होंगे। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मेडल नॉर्वे को मिले, जिन्होंने टोटल 39 मेडल्स जीते। नॉर्वे ने 14 गोल्ड, 14 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज जीते। दूसरे नंबर पे थी जर्मनी, जिन्होंने टोटल 31 मेडल्स जीते। जर्मनी ने 14 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तीसरे नंबर पे थी कनाडा, जिसने टोटल 29 मेडल्स जीते, जो थे 11 गोल्ड, 8 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज। इस टूर्नामेंट के सबसे सफल खिलाड़ी थे नॉर्वे के मैरिट बेजॉन, जिन्होंने 14 मेडल्स जीते, जो 8 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। अगले विंटर ओलंपिक्स चाइना के शहर बीजिंग में 2022 में होंगे। 21st कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, इसका वेन्यू था गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। 21st कॉमनवेल्थ गेम्स में 71 कॉमनवेल्थ नेशन एंड टेरिटरीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 6,600 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। 21st कॉमनवेल्थ गेम्स में 18 स्पोर्ट्स थे, जिनके अंदर 275 इवेंट्स थे, और बीच वॉलीबॉल, वुमेन्स रग्बी 7, पैरा ट्रायथलॉन, ये 3 नए स्पोर्ट्स इस टूर्नामेंट में इंक्लूड किए गए थे। 21st कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो था शेयर द ड्रीम और मैस्कट था बोरोबी, जो एक कुआला था। 21st कॉमनवेल्थ गेम्स में टॉप पोजीशन पे थी ऑस्ट्रेलिया, जिसने टोटल 198 मेडल्स जीते थे। इनमें से 80 गोल्ड थे, 59 सिल्वर थे और 59 ब्रॉन्ज थे। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड थी, जिन्होंने टोटल 136 मेडल्स जीते थे, जो 45 गोल्ड थे, 45 सिल्वर थे और 46 ब्रॉन्ज थे। इंडिया तीसरे नंबर पे था और 66 मेडल्स टोटल जीते थे, जिनमें से 26 गोल्ड थे, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज थे। 21st कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयर थी पीवी सिंधु। इंडिया की परफॉर्मेंस वेटलिफ्टिंग, शूटिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 न्यू दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में थी, जिसमें इंडिया ने 101 मेडल्स जीते थे। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड के बर्मिंगम में होंगे। इंडियन शूटर अनीस बनवाला, जो 15 साल के थे, ये यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में। पहली बार इंडियन टेबल टेनिस टीम ने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में, और मनिका बत्रा पहली भारतीय महिला है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता शूटिंग में, वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में। इंडिया ने टोटल 16 मेडल्स जीते थे शूटिंग में, जिनमें से 7 गोल्ड थी, 4 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज थे, और रेसलिंग में टोटल 12 मेडल्स जीते थे, जिनमें से 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज थे। वेटलिफ्टिंग में इंडिया ने
9 मेडल्स जीते थे, जिनमें से 5 गोल्ड थे, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज थे। कॉमनवेल्थ गेम्स को 1932 से स्टार्ट किया गया था और कॉमनवेल्थ गेम्स का हेडक्वार्टर है लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में। कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रेसिडेंट हैं लुइस मार्टिन। जानते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नीरज चोपड़ा, ये जैवलिन थ्रो में इन्होंने इंडिया का गोल्ड जिताया। बॉक्सिंग में एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम ने गोल्ड जीता 45-48 वेट कैटेगरी में, ये वेट कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गौरव सोलंकी ने गोल्ड मेडल जीता 52 kg मेंस बॉक्सिंग में और विकास कृष्णन ने 75 kg मेंस बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता था जीतू राय ने। वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल, इसमें गोल्ड जीता था मनु भाकर ने। मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, इसमें गोल्ड जीता था अनीस बनवाला ने। वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल में हीना सिद्धू ने गोल्ड मेडल जीता था। वुमेन्स डबल ट्रैप, इसमें गोल्ड जीता था श्रेयसी सिंह ने। मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस, इसमें गोल्ड जीता था संजीव राजपूत। वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, इसमें गोल्ड जीता था तेजस्विनी सावंत ने। बैडमिंटन में मिक्स्ड टीम इवेंट में इंडिया ने गोल्ड जीता। वुमेन्स सिंगल्स में साइना नेहवाल ने गोल्ड जीता। साइना नेहवाल पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 2 कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर बैडमिंटन में गोल्ड जीता। रेसलिंग में मेंस फ्री स्टाइल 74 kg में सुशील कुमार ने गोल्ड जीता। वुमेन्स फ्री स्टाइल 50 kg में विनेश फोगाट ने गोल्ड जीता। मेंस फ्री स्टाइल 65 kg वेट कैटेगरी में बजरंग पुनिया ने गोल्ड जीता। मेंस फ्री स्टाइल 125 kg वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता सुमित मलिक ने। मेंस फ्री स्टाइल 57 kg वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता राहुल अव्वारे ने। वेट लिफ्टिंग में संगीता चानू ने वुमेन्स 53 kg में गोल्ड जीता। मीराबाई चानू ने 48 kg वुमेन्स कैटेगरी में गोल्ड जीता। वुमेन्स 69 kg वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता पूनम यादव ने। मेंस 77 kg वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता सतीश कुमार शिवलिंगम ने और मेंस 85 kg वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता वेंकट राहुल रागला। टेबल टेनिस के इवेंट में मेंस एंड वुमेन्स टीम में इंडिया ने गोल्ड जीता। वुमेन्स सिंगल इवेंट में मनिका बत्रा ने गोल्ड जीता। 18th एशियन गेम्स, ये हुए थे इंडोनेशिया के पलमबंग और जकार्ता में। 18th एशियन गेम्स का मोटो था एनर्जी ऑफ एशिया और 18th एशियन गेम्स के मैस्कॉट थे भिन भिन, जो एक चिड़िया थी, काका जो एक वन हॉर्न राइनोसोरस था और अटुन जो एक डियर था। 18th एशियन गेम्स में 45 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और टोटल 40 स्पोर्ट्स थे जिनके अंदर 465 इवेंट्स थे। 18th एशियन गेम्स में 2 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स थे जो थे ई स्पोर्ट्स एंड कनोई पोलो। 18th एशियन गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया के फ्लैग बेयरर थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इंडिया को जैवलिन थ्रो इवेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोजिंग सेरेमनी में इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की प्लेयर और कैप्टन रानी रामपाल ने फ्लैग बेयरिंग किया। 18th एशियन गेम्स में नंबर 1 पोजीशन पे थी चाइना, जिसने टोटल 289 मेडल्स जीते थे, जिनमें से 132 गोल्ड, 92 सिल्वर और 65 ब्रॉन्ज थे। दूसरे नंबर पे थी जापान, जिसने टोटल 205 मेडल्स जीते थे, जिनमें से 75 गोल्ड थे, 56 सिल्वर और 74 ब्रॉन्ज।
तीसरे नंबर पर था साउथ कोरिया, जिसने टोटल 177 मेडल्स जीते, जिनमें से 49 गोल्ड थे, 58 सिल्वर और 70 ब्रॉन्ज। इंडिया की रैंकिंग 18th एशियन गेम्स में 8 नंबर पे थी। इंडिया ने टोटल 69 मेडल्स जीते थे, जिनमें से 15 गोल्ड थे, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट एशियन गेम्स 2022 में हंगझोउ चाइना में होंगे। सबसे पहले एशियन गेम्स नई दिल्ली इंडिया में खेले गए थे 1951 में। उस टाइम इंडिया ने टोटल 69 मेडल्स जीते थे। 18th एशियन गेम्स के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, विनेश फोगट, यह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने कुश्ती रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता। विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता था 50 केजी वुमेन्स फ्रीस्टाइल कुश्ती में। बजरंग पुनिया ने 65 केजी मेंस फ्रीस्टाइल वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। टेनिस में इंडिया के रोहन बोपन्ना और दिविज शरण ने मेंस डबल में गोल्ड मेडल जीता। मेंस जैवलिन थ्रो में इंडिया के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। अरपिंदर सिंह ने मेंस ट्रिपल जंप में गोल्ड जीता। तेजिंदर पाल सिंह तूर ने मेंस शॉर्ट पुट में इंडिया के लिए गोल्ड जीता। जिनसन जॉनसन ने मेंस 1500 मीटर रेस में गोल्ड जीता। स्वप्ना बर्मन ने वुमेन्स हेपेथलॉन में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। स्वप्ना बर्मन पहली भारतीय महिला है जिन्होंने वुमेन्स हेपेथलॉन में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। इंडिया ने वुमेन्स 4x400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता, जिसमें खिलाड़ी थे हिमा दास, सरिताबेन गायकवाड़, वी के विस्मया एंड एम आर पुअमा। ब्रिज कंपटीशन में इंडिया के मेंस पेयर में जीते थे प्रणव और शिवनाथ सरकार, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता ब्रिज में। शूटिंग में इंडिया को गोल्ड मिला था मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में, जिसमें सौरभ चौधरी ने गोल्ड जीता। राही सरनोबत ने वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल्स में गोल्ड मेडल जीता। रोइंग में इंडिया के दत्तू बबन भोकनलाल, सुखमीत सिंह, स्वरण सिंह एंड ओम प्रकाश ने मेंस क्वाड्रुपल स्कल्स में गोल्ड मेडल जीता। बॉक्सिंग में इंडिया के अमित पंघल ने मेंस लाइट फ्लाई 49 केजी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। थर्ड यूथ ओलंपिक्स 2018 के ब्यूनो अरेस अर्जेंटीना में हुए थे। थर्ड यूथ ओलंपिक्स का मोटो था लिव द फ्यूचर और मैस्कट था पांडी। पांडी एक जैगुआर है। इस टूर्नामेंट में टोटल 206 टीम्स थी जिन्होंने 32 स्पोर्ट्स के 241 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। थर्ड यूथ ओलंपिक में नंबर वन पोजीशन पे थी रशिया, जिसने 29 गोल्ड, 18 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। दूसरे नंबर पे चाइना थी, जिसने टोटल 36 मेडल्स जीते थे, 18 गोल्ड, 9 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। तीसरे नंबर पे था जापान, जिसने टोटल 39 मेडल्स जीते थे, 15 गोल्ड, 12 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज। इंडिया इस टूर्नामेंट में 17th रैंक पे था। इंडिया ने टोटल 13 मेडल्स जीते थे, जिनमें से 3 गोल्ड मेडल थे, 9 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल जीता था जेरेमी लाल रिनुगवा, जिन्होंने मेंस 62 वेट कैटेगरी में पहला गोल्ड मेडल जीता था। और इंडियन शूटर सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। आकाश मलिक पहले इंडियन आर्चर थे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है यूथ ओलंपिक गेम्स में। अब तक 3 समर और 2 विंटर यूथ ओलंपिक्स हो चुके हैं। पहला समर यूथ ओलंपिक्स हुआ था 2010 में सिंगापुर में। पहला विंटर यूथ ओलंपिक्स हुआ था ऑस्ट्रिया में 2012 में। दूसरा समर यूथ ओलंपिक्स हुआ था नानजिंग चाइना में 2014 में। और दूसरा विंटर यूथ ओलंपिक हुआ था
नॉर्वे में 2016 में। 14th हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उड़ीसा में और इसका मैस्कट था ओली। ओली उड़ीसा में पाए जाने वाले टर्टल का नाम है। इस टूर्नामेंट का वेन्यू था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा। इस टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम थी बेल्जियम। बेल्जियम ने पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है और इन्होंने ये नीदरलैंड्स को फाइनल में 3-2 के शूटआउट से हराया। इस टूर्नामेंट में टोटल 16 टीम्स थी जिन्हें चार पूल में डिवाइड किया गया था और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया थी और चौथे नंबर पे इंग्लैंड। इस टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर थे बेल्जियम के आर्थर वॉन डेरेन और बेस्ट गोलकीपर थे प्रिमिन ब्लैक जो नीदरलैंड्स के खिलाड़ी हैं। 14th हॉकी वर्ल्ड कप में फेयर प्ले का अवार्ड मिला था स्पेन को और 14th हॉकी वर्ल्ड कप में इंडिया की रैंक छठे नंबर पे थी। टेनिस में चार फेमस ग्रैंड स्लैम होते हैं जो हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो मिड जनवरी में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में मेन सिंगल में जीते थे नोवाक जोकोविच और वुमेन सिंगल में जीती थी नाओमी ओसाका। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और नाओमी ओसाका जापान की। दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है फ्रेंच ओपन जिसे मई या जून के मंथ में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन 2018 के विनर थे मेन सिंगल में राफेल नडाल जो स्पेन के खिलाड़ी हैं और वुमेन सिंगल में जीती थी सिमोना हेलेप जो रोमेनिया की खिलाड़ी हैं। तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है विंबलडन जो जून और जुलाई के मध्य में खेला जाता है। विंबलडन 2018 के मेन सिंगल के विनर थे नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं और वुमेन सिंगल की विनर थी एंजेलिक कर्बर जो जर्मनी की खिलाड़ी हैं। यूएस ओपन 4th ग्रैंड स्लैम होता है जो अगस्त या सितंबर में खेला जाता है। यूएस ओपन 2018 के विनर थे मेन सिंगल कैटेगरी में नोवाक जोकोविच और वुमेन सिंगल कैटेगरी में विनर थी नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन के जो कोर्ट के टर्फ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो कोर्ट होता है उसका टर्फ हार्ड कोर्ट होता है जिसे सिंथेटिक सरफेस प्लेक्सी कुशन से बनाया जाता है और यूएस ओपन का कोर्ट डेको टर्फ से बनाया जाता है, ये भी एक हार्ड कोर्ट होता है। फ्रेंच ओपन का कोर्ट क्ले कोर्ट होता है और उसका कलर भी डिफरेंट होता है जबकि विंबलडन कोर्ट ग्रीन कलर का ग्रास कोर्ट होता है। स्पेशल ओलंपिक्स 2019, स्पेशल ओलंपिक्स 2019 का वेन्यू था अबू धाबी यूएई यूनाइटेड अरब एमिरात्स। इस स्पेशल ओलंपिक का मोटो था लेट मी विन बट इफ यू कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट और इस टूर्नामेंट में 24 डिफरेंट इंडिविजुअल और टीम स्पोर्ट्स थे। इंडिया ने टोटल 368 मेडल्स जीते जिनमें से 85 गोल्ड थे, 154 सिल्वर और 129 ब्रॉन्ज थे जिसमें से रोलर स्केटिंग में इंडिया ने 49 मेडल्स जीते थे जो 13 गोल्ड थे, 20 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज। इंडियन पावर लिफ्टर्स ने 20 गोल्ड, 33 सिल्वर और 43 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। नेक्स्ट स्पेशल ओलंपिक्स 2021 में स्वीडन में होने वाले हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये हुए थे पुणे महाराष्ट्र में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहते थे। दो कैटेगरीज में खेला जाता है अंडर 17 और अंडर 21। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का मैस्कॉट था जय विजय। इस टूर्नामेंट में महाराष्ट्र ने
सबसे ज्यादा मेडल्स जीते थे। महाराष्ट्र स्टेट ने 85 गोल्ड, 62 सिल्वर और 81 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। हरियाणा सेकंड नंबर पर था जिसने 62 गोल्ड, 37 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज जीते थे। आईसीसी अवार्ड 2018, इसमें सर गैट फील सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था विराट कोहली को। विराट कोहली को आईसीसी मैन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। आईसीसी एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ऋषभ पंत को और आईसीसी एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है कैलम मैकलॉड को। ये स्कॉटलैंड के खिलाड़ी हैं। मोहम्मद शमी बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 100 विकेट इन ओडीआई। ये इन्होंने 56th गेम में लिया है और 100th विकेट थे न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गुप्टिल। इनसे पहले ये खिताब इरफान पठान के पास था जिन्होंने 100 विकेट का मार्क अचीव किया था 59 ओडीआईज में। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार संगकारा पहले नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट बन गए हैं मालिबन क्रिकेट क्लब का। ये लंदन इंग्लैंड में है और इसका होम ग्राउंड है लॉर्ड्स, जिसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। पीवी सिंधु ने मेडन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का 2 टाइटल जीत लिया बाय डिफीटिंग नाजोमी ओकुहारा। नाजोमी ओकुहारा जापान की खिलाड़ी है। फीफा की ग्लोबल रैंकिंग में बेल्जियम की फुटबॉल टीम 1727 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 टीम बन गई। दूसरे नंबर पे फ्रांस टीम थी जिनका स्कोर 1726 था और तीसरे नंबर पे ब्राजील थी जिनका स्कोर 1676 था। साइना नेहवाल ने इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 जीता। विदर्भ क्लेम्स सेकंड सक्सेसिव रणजी ट्रॉफी बाय डिफीटिंग सौराष्ट्र इन द फाइनल्स। इगोर स्टिमक भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच होंगे। इगोर स्टिमक क्रोएशिया के हैं और 1998 फीफा वर्ल्ड कप में क्रोएशिया तीसरे नंबर पर थी और ये उस टीम के मेंबर थे। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान हासिल किया जो 278 रन 3 विकेट पे है, वो भी आयरलैंड टीम के खिलाफ। ये मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में खेला गया था। इससे पहले यह कीर्तिमान ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के पास था जिन्होंने 263 रन्स 3 विकेट पे श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। आर्थर वेन डोरन जो बेल्जियम के हॉकी प्लेयर है उन्हें इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है और वुमेन्स में यह अवार्ड दिया गया था इवेड गॉडेगो जो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। सेंटर फॉर डिसएबिलिटी स्पोर्ट्स ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन फ्यूचर समर ओलंपिक्स 2020 में समर ओलंपिक्स खेला जाएगा टोक्यो जापान में। 2024 में समर ओलंपिक्स पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा। 2028 में समर ओलंपिक्स खेला जाएगा लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में। विंटर ओलंपिक्स 2022 में खेला जाएगा बीजिंग चाइना में। विंटर यूथ ओलंपिक्स 2020 में लॉजेन स्विट्जरलैंड में खेला जाएगा और समर यूथ ओलंपिक्स 2022 में डाकर सेनेगल में खेला जाएगा। क्रिकेट 2019 में आईसीसी मेन वर्ल्ड कप खेला जाएगा इंग्लैंड और वेल्स में। 2020 में मेन एंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। 2021 में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप खेला जाएगा न्यूजीलैंड में और 2023 में आईसीसी मेन वर्ल्ड कप खेला जाएगा इंडिया में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में खेला जाएगा बर्मिंगम यूनाइटेड किंगडम में।
फुटबॉल 2019 में वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला जाएगा फ्रांस में, 2022 में मेंस वर्ल्ड कप खेला जाएगा कतर में, और 2026 में मेंस वर्ल्ड खेला जाएगा तीन देशों में, यूएसए, मेक्सिको और कनाडा में। एशियन गेम्स 2022 में एशियन गेम्स होंगे चाइना के हांजो में, और 2026 में एशियन गेम्स होंगे जापान के नगोया में। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में रशिया में होगी और 2021 में ये इंडिया में होगी। स्पेशल ओलंपिक्स 2019 में अबू धाबी में हुए और 2021 में ये स्वीडन में होंगे। इसके अलावा कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 में ब्राजील में होगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।